पूरा पूरा iPhone 15 पे शूट हो रहा है मेरा व्लॉग। ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ प्रेजेंट टाइम पे, ये फ्रंट कैमरा का रिकॉर्डिंग है और ये जो रिकॉर्डिंग है 0.5x पे कर रहा हूँ मैं। एक्शन मोड ऑन है। देखो भाई चिड़िया है, गाली दे रहे। दे एक लपड़ की, लपड़ तो स्वागत है आप सबका मेरे नए व्लॉग में। आज फर्स्ट व्लॉग है मेरे आईफोन 15 से जो मैं शूट कर रहा हूँ। तो और हम जा रहे हैं कोटा क्योंकि कल किसी की शादी भी है, तो हमने जाना ही था, तो कंटेंट बना ही रहे। रिज़ल्ट कैसा रहता है मैं सब कुछ बताऊंगा, कैसा शूट कर रहा हूँ बाकी सब आपको दिख ही जाएगा। पूरा आईफोन 15 पे शूट हो रहा है मेरा व्लॉग, तो वीडियो पूरी देखना, अंत तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और हाँ कमेंट कर देना और शेयर कर देना। और जिसे आईफोन 15 खरीदना हो, मैं बेसिकली बोल रहा हूँ खरीद लो भाई, बहुत खतरनाक फ़ोन है यार, बहुत ज़्यादा खतरनाक फ़ोन है ये। ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ प्रेजेंट टाइम पे, ये फ्रंट कैमरा का रिकॉर्डिंग है। अभी मैंने बैक स्विच नहीं किया है, मैं बैक के भी करूँगा तो मैं कह दूंगा कि ये बैक से है, ये फ्रंट से है। बाकी बहुत अच्छा फ़ोन है यार, बहुत अच्छा। बैटरी भी एक नंबर चल रही है। जो लोग कहते हैं ना कि आईफोन की बैटरी नहीं चलती, भाई साहब कहाँ जी रहे हो आप। तो मिलते हैं अगले शॉट में, अभी पेट्रोल भरा रहे हैं, पेट्रोल भरा के निकलते हैं कोटा की तरफ। आज डेट है 29 अक्टूबर, टाइम हो रखा है 5:29 शाम के। और ये जो रिकॉर्डिंग है 0.5x पे कर रहा हूँ मैं, एक्शन मोड ऑन है और HD 60 फ्रेम रेट्स पे है, क्योंकि एक्शन मोड का इसका है 2.4K पे, 60fps पे आप कर सकते हो, तो मैंने HD प्रिफर कर दिया, देख सकते हो आप। और स्टेबिलिटी भी इस वीडियो की बाद में देखना क्योंकि अभी तो रिकॉर्ड हो रही है, जब आपके पास आएगी तो। मैं बाइक पे ट्रेवल कर रहा हूँ और स्टेबिलिटी देख लेना आप कैसी आएगी। अच्छा है, एक्शन मोड का भी जो इसका सीन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, रिजल्ट अच्छे दे रहा है। अभी तो कोटा बहुत ज़्यादा दूर है, अभी तो हम निकले ही हैं। वैसे तो वीडियो में बोल नहीं सकता अभी, बाइक चल रही तो ज़्यादा, पर अब हम आए हमारी पहली रिवर, मतलब हमारी तो नहीं है, हमारी वाली तो निकल गई, पर जब से वीडियो स्टार्ट किया है तो ये पहली रिवर है। अब देखना इस रिवर मतलब कैसी, कितनी बड़ी है, अच्छी। कालीसिन नाम है इसका, मैंने मेरा पहला व्लॉग भी यहीं से स्टार्ट किया था। राजस्थान में जाए, चंबल में मिलती है, चंबल की ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी ऑफ चंबल। कंस्ट्रक्शन चल रहा है भैया रोड का। अभी जो लोग राजस्थान से, उन्हें पता होगा यहाँ पे आचार संहिता लगी हुई है क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं, काम कर रहे हैं क्योंकि अगर देखिए तो कमेंट करो, बोलो देखी होगी। पर एक चीज बताऊं, मैंने नहीं देखी है उसके कुछ कॉमेडी सीन ही है, वही देखे। गद्दारी कर दे, टाइम नहीं मिलता यार, ये आग लग रही है खेतों में, धुआं उठा हुआ है। बर्न करके, ये क्या है, ये जो नहीं स्लेश तो नहीं सही, बट ये वो नहीं करेंगे ना, जब उसको शिफ्टिंग नहीं है, ये जो भी चीजें बची हुई है उसको जला देंगे और बस नई फसल उगाएंगे थोड़ी देर बाद। बालू एड़ा आ गया।
ये अजय का गांव है, अजय मेरे कॉलेज का मित्र है। और यहाँ से अब कोटा कितना किलोमीटर होगा, अभी अगर माइलस्टोन आता है तो मैं बताता हूँ, वैसे तो आया नहीं है। ये सबसे ज्यादा ठंडा इलाका है भाई, यहाँ पे ना पीछे की तरफ भी दूर दूर तक और इधर की तरफ मतलब दोनों साइड दूर दूर तक राड़िया ही राड़िया, राड़िया मतलब ये जो झाड़ियाँ हैं, और यहाँ पे बहुत ठंड है भाई, बहुत ठंड, एवरेज से ज्यादा ठंड है, मतलब इसके पीछे भी और इसके आगे भी ठंड होती है, इस वाले एरिया में बहुत ज्यादा ठंड होती है क्या। और यहाँ पे लोगों को डर भी रहती है, मतलब हाँ वो भी मेरी आवाज भी आएगी तो पीछे वाले से सुन लो, यहाँ पे जो लोग होते हैं ना आसपास वाले गांव वाले रात में बैठ जाते हैं और जो कोई भी आता है ना रख लेते हैं, मतलब गाड़ी रुकवा के लूट लेते हैं, कि कई बार तो उसे मार भी देते हैं जान से। नहीं अरे कहना क्या चाहते हो, हाथों तोड़ तोड़ा के ऐसा भी कर लेते हैं, अगर कोई जाता है वो करता है ना तो ऐसा करते हैं, मतलब बंदूक तक होती है उनके पास और वो उसे डर लेते हैं, ऐसा करते हैं। मेरा ये दोस्त के साथ केस हो चुका है यहाँ पे, बट नाम नहीं लेंगे, यही सीन है। देखो चिरकुटिया का ढाबा, मुझे कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया, कोटा तो कोटा को छोड़ के जाते हैं, मैं कोटा के रेडियस में ही रहूँ। और अब हम एंटर हो चुके हैं केथुन में, तो केथुन देखते हैं कैसा मार्केट क्या चल रहा है यहाँ का, दिवाली भी आने वाली। तो भीड़ तो है भैया यहाँ भी यार, संडे फंडे मना रहे हैं लोग भी, बहुत टाइम वेस्ट होता है पर यहाँ पर सच में यार बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह। अभी मेरी मम्मी आगे वाले बाइक पे मतलब जो हमारे रिलेटिव है उनके साथ जा रहे हैं, तो अब वो भी फंसे हुए हैं जाम में यहाँ पे आगे मेरी मम्मी। ये रियर कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं इसके, और मतलब लो लाइटनिंग में ये रिजल्ट है, यहाँ लाइटिंग आ रही है वहाँ से ही दे रहा है, और जो लाल लाइटिंग है वहाँ पे भी अच्छा ही दे रहा है, मतलब एक तरीके से रिजल्ट और कैमराज के अकॉर्डिंग तो सही है। और जिन लोगों को नहीं पता केतुन के बारे में, केतुन के बारे में तीन चीज़ें बड़ी फेमस है, सबसे पहले तो यहाँ पे डोरिया वाली वो जो साड़ियाँ होती है वो बनती है, दूसरी बात फर्नीचर के लिए भाई साहब बहुत फेमस है केतुन, क्योंकि आसपास के जितनी भी शादियों में जो डाउरी जाता है, दहेज वगैरह जाता है, जो भी फर्नीचर अपना बाप अपनी बेटी को देना चाहता है वो ज़्यादातर यहीं से। और केतुन में हाड़ोती का वन ऑफ द बेस्ट ग्राउंड है जो मेंटेन कर रहा है लोगों ने, वन ऑफ द बेस्ट, क्या ग्राउंड है भाई, पूरा गोल, क्या पिच है, लेदर से टूर्नामेंट, कोर से टूर्नामेंट होते हैं यहाँ पे, टेनिस के तो टूर्नामेंट ही नहीं कराते हैं ये। और जब हम कोटा जाते हैं तब देख के निकलते हैं, क्योंकि फाइन क्लास ऑफ क्रिकेट देखने को मिलता है लेदर और गोरख का, टेनिस से तो ऐसे ही खेलते हैं लोग, क्रिकेट ही लेदर और गोरख का मानता हूँ मैं तो, जो अच्छे तरीके से खेला जाता है। क्या हो रहा है यहाँ, ये लगा था भाई जाम, मतलब ये वाला जो रोड है वो उसका काम चल रहा है, और ये वाला है जो है यही चला हुआ है, तो वन वे हो गया मतलब रोड, तो आना जाना इसी से चल रहा है, और यहाँ लगा था जाम। अब तो काफ़ी ठीक है, हम तो निकल रहे हैं धीरे धीरे करके, पर मम्मी और लग गया होगा जाम भाई, वैसे मम्मी पहुँच गई कोटा, पहुँचने वाले हैं मतलब थोड़ी सी देर में, हम भी पहुँच जाएंगे थोड़ी सी देर में, क्योंकि केतुन तो क्रॉस कर ही लिया है, दाकड़खेड़ी आ गया, अब तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा 10 किलोमीटर होगा यहाँ से ना, 10 किलोमीटर होगा, और 10 किलोमीटर तो अभी निकल जाएंगे, एक बार मेन रोड आया और 10 किलोमीटर ये लग गया जाम। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, पर हम तो बाइक वाले हैं, हम तो टू व्हीलर वाले, हमारे कहाँ जाम लगता, हम तो धीरे धीरे करके निकाल लेते कैसे भी करके। रुको जरा, सबर करो, अब तो भैया टू व्हीलर वाले भी फंस गए आगे, बस हवा निकल गई, लो अब तो लग गए रास्ते। और ये पुलिस वाले भाई साहब गाली दे रहे, गाली दे रहे, गाली दे रहे, दे दे दे, एक लपड़ के दे, एक लपड़ के दे, लपड़ बच्चों से गाड़ी चलाओगे तो ये होगा यार, चलाना आती है बट समझ विकसित नहीं होती ना। हाँ दबाओ दबाओ दबाओ,
चलो दबाओ चलो। ओ यार फाइनली ये रास्ता दो वे का हो गया, टू वे। अब हम भी जाम से निकल चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, फाइनली फाइनली। तो अब हम आ चुके हैं मुकेश भैया कमरे पे। हाँ, तो जो ट्यूशन था वो ये था कि इसका जो फेस अनलॉक है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है और बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड है। तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जब मेरी आँखें बंद होती है तो ये नहीं खोलता है फ़ोन को, मतलब अनलॉक नहीं करता, और यहाँ तक कि एक आँख बंद और एक आँख खुली होती है तब भी अनलॉक नहीं करता। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ, मतलब लकी वाला क्वेश्चन था कि क्या जो काना बंदा होता है उसकी आँखें ये वो ले सकता है नहीं ले सकता फेस अनलॉक के लिए, जो काना है वो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल क्वेश्चन भी है देखा जाए तो। ये फिर भी देखते इसका क्या आंसर होता है, एप्पल की तरफ से पूछेंगे क्या, अब अपन तो क्या ही पूछेंगे, अपने क्या मतलब आ रहा है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है कैमरे का बहुत अच्छा है, वीडियो का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। तो बैटरी जो इसकी अभी 67% है, और जब मैं वहाँ से निकला था ना तो बैटरी इसकी थी 81 या 82, और अभी 67% है ना, तो 14% के हिसाब से तो सही है, क्योंकि मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड करी है और वीडियो भी अच्छी क्वालिटी की, फोटो भी अच्छी क्वालिटी के आ रहे हैं। और अगर मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे फॉलो कर देना, ये रहा मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और फ़ोन अच्छा है ये ले लेना, क्योंकि टाइप सी है तो चार्ज भी जल्दी हो रहा है और ड्रेन बहुत धीमा हो रहा है। बाद की बात में देखेंगे कि बैटरी हेल्थ कम होती है जब कैसा होता है, पर अभी के हिसाब से परफॉर्मेंस बहुत सही है, क्योंकि 14 प्रो का ही वर्जन है पूरा पूरा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।